हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं फ्लोजन ए टैबलेट के बारे में। दोस्तों, बात करेंगे फ्लोजन ए टैबलेट को किस किस कंडीशन में इस्तेमाल किया जाता है, इसके इस्तेमाल करने का क्या सही तरीका है, इसके इस्तेमाल करने से कौन से साइड इफ़ेक्ट हमें देखने को मिल सकते हैं और किस किस कंडीशन में इस फ्लोजन ए टैबलेट को इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। दोस्तों, फ्लोजन ए टैबलेट की बात करें तो मैनकाइंड फार्मास्यूटिकल कंपनीज़ को मैन्युफैक्चर करती है और प्राइस की बात करें तो दोस्तों 89 रुपीज़ की इस पर MRP होती है, जो कि 10 टैबलेट का पूरा एक स्ट्रिप होता है। बात करें इसमें इंग्रेडिएंट की, दोस्तों इंग्रेडिएंट की बात करें तो इसके अंदर 3 तरह के इंग्रेडिएंट पाए जाते हैं, एसिक्लोफेनिक 100 mg, पैरासीटामोल 325 mg और सेराटियोपेप्टाइडेज जो कि 15 mg इसके अंदर पाया जाता है। ये सारे इंग्रेडिएंट दोस्तों इंडियन फार्माकोपिया के अकॉर्डिंग इसके अंदर ऐड किए गए हैं। दोस्तों, बात करते हैं इस टैबलेट के बारे में। दोस्तों, इस टैबलेट की बात करें तो दोस्तों ये एक नॉन स्टेरॉयडल एंटी इन्फ्लेमेटरी ड्रग्स है और बात करते हैं इसके इस्तेमाल के बारे में, किस किस कंडीशन में इस टैबलेट का इस्तेमाल किया जाता है। दोस्तों, इसके यूजेस की बात करें तो यदि आपके मांसपेशियों का दर्द, जोड़ों का दर्द, चोट का दर्द, मोच का दर्द, कहीं पर भी अभी यदि आपके कहीं पर जख्म है उसको क्योर करने के लिए भी इस टैबलेट का इस्तेमाल किया जाता है। दोस्तों आपके सूजन और दर्द को क्योर करने के लिए बहुत ही बेस्ट टैबलेट है। आपके किसी के भी प्रकार का दर्द हो, दोस्तों आपके मोच का दर्द है, जोड़ों का दर्द है, मांसपेशियों का दर्द है या जख्म है आपके, उसको सुखाने के लिए भी इस टैबलेट का इस्तेमाल किया जा सकता है। दोस्तों प्रेग्नेंट महिलाएं इस टैबलेट का बिल्कुल इस्तेमाल ना करें और इसके इस्तेमाल करने से कौन से साइड इफ़ेक्ट देखने को मिल सकते हैं। दोस्तों, वॉमिटिंग हो सकती है, पेट में गैस की शिकायत हो सकती है और चक्कर आने की शिकायत हो सकती है। ये सारे सिम्टम आपको इस टैबलेट के इस्तेमाल करने से देखने को मिल सकते हैं दोस्तों, जो कि बहुत माइनर से इसके साइड इफ़ेक्ट हैं। दोस्तों, इस टैबलेट का इस्तेमाल आप डॉक्टर की देख रेख में ही करें। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और बेल आइकन दबाना ना भूलें। धन्यवाद दोस्तों।